हे गाइस, मैं हूँ अविनाश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आर्टिस्ट अविनाश पहाड़ी। तो आज हम सौरभ जोशी का ड्राइंग करने वाले हैं और वीडियो बहुत ही मज़ेदार है। वीडियो को लास्ट तक देखिए, एंड तक देखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। बेल आइकन को दबाएँगे तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आज के ड्राइंग के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगा पेंसिल का, तो ये है चारकोल पेंसिल। चारकोल पेंसिल का यूज करके आज हम हेयर ड्रॉ करेंगे, हेयर को शेडिंग करेंगे। और ये है वाइट पेंसिल, जिससे हाईलाइट देने के काम आएगा। ब्लेंडिंग ब्रश से ब्लेंड करने के लिए। और ये मेरा इरेजर, इसको मैंने अपने से बनाया है और ये कटर से शार्प किया हूँ, छीला हूँ। तो वीडियो को देरी से ना करते हुए चलते हैं वीडियो की ओर और फटाफट। आज हम हेयर ड्रॉ करेंगे, हेयर ड्रॉ है, हेयर को सेट करेंगे और उसके लिए चारकोल पेंसिल की जरूरत पड़ेगा। फटाफट करते हैं। जहाँ पे डार्क एरिया है, डार्क एरिया पे मैं पहले कर ले रहा हूँ सेट। ये ठीक तरह से चल भी नहीं रहा इस पेपर पे। ये पेपर आपको बता दें कि ये फोटोकॉपी वाला पेपर है। धीरे धीरे हम डार्क करेंगे। अभी तो जहाँ जहाँ पे डार्क एरिया है वहाँ पे मैं प्रेशर के साथ अप्लाई करके पेंसिल का स्ट्रोक लगा रहा हूँ। धीरे धीरे बनाना है, आराम आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए। जल्दीबाजी करने से पूरा थोड़ा सा अगर गलती कर दे तो पूरा ड्राइंग खराब हो जाएगा, इसीलिए आराम आराम से बनाना चाहिए। धैर्य, ड्राइंग बनाने में धैर्य रखना चाहिए। जिस डायरेक्शन में हेयर है उसी डायरेक्शन में हमें स्ट्रोक भी लगाना है। स्ट्रोक सही रहेगा तो हेयर भी सही बनेगा। इसके लिए जरूरी नहीं, हेयर के लिए जरूरी नहीं होता है कि इसको एकदम कटर से छिलके नुकीला करें। अगर छिलने की जरूरत नहीं है ज़्यादा।
गाइज आज के लिए इतना ही, अब हम नेक्स्ट डे करेंगे फेस की शेडिंग। तो वीडियो देखने के लिए मेरे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा कि नेक्स्ट वीडियो आप देख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।